बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है वो लेक्चर का जो लेक्चर का नाम है या मेरा टॉपिक का नाम है वो है मीडियम। क्या है मीडियम? क्या है मीडियम? अब जो हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस किए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, वो जो थे तीनों आपके पास मैथमेटिकल एवरेजेस थे। मैथमेटिकल एवरेजेस थे। अरिथमेटिक मीन के अंदर आपने डिस्कस किया सिंपल मीन को और वेटेड मीन को, और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब हम आते हैं पोजिशनल एवरेजेस की तरफ, मतलब सीरीज के अंदर किसी वैल्यू की जो पोजीशन होती है उसे हम पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशन कहते हैं। अब हमारे पास जो पोजिशनल एवरेजेस हैं उसके अंदर जो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मीडियन। क्या है? मीडियन। अब मीडियन को हम सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हाउ वी डिफाइन मीडियन, हाउ वी डिफाइन मीडियन, हाउ वी डिफाइन मीडियन। मीडियन इज अ वैल्यू विच डिवाइड एन ऑर्डर सीरीज, वो सीरीज जो आपके पास ऑर्डर के फॉर्म में हो, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, उस सीरीज को मीडियन इज अ वैल्यू विच डिवाइड एन ऑर्डर सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन वो वैल्यू है जो किसी भी ऑर्डर सीरीज को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। अब चूंकि मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज तो मीडियन के बिलो भी 50% वैल्यूज होंगी और मीडियन के अबाउट भी 50% वैल्यूज होगी। अब ये दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं कि 50% वैल्यूज ग्रेटर देन मीडियन एंड 50% वैल्यूज स्मॉलर देन मीडियन, कि 50% वैल्यूज मीडियन से छोटी होंगी और 50% मीडियन से बड़ी होंगी। अब हम इसको एक डायग्राम के जरिए, हम एक लाइन के जरिए हम इसको क्लियर करते हैं कि हमारे पास एक सीरीज है। सीरीज का क्या नाम है? एक्स। क्या नाम है? एक्स। अब इस सीरीज को हम डिवाइड कर रहे हैं दो बराबर हिस्सों में। हम इसको फिर याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि जब भी आप मीडियन फाइंड करेंगे, पार्टीशन वैल्यू मीडियन फाइंड करेंगे, तो सीरीज को ऑर्डर करना लाजमी है। किस तरह ऑर्डर करेंगे? इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ डेटा को अरेंज करना लाजमी है, चाहे वो इंडिविजुअल डेटा हो, चाहे वो डिस्क्रीट डेटा हो, चाहे वो कंटिन्यूस डेटा हो, तो डेटा को अरेंज करना लाजमी है। तो जब हमने सीरीज को अरेंज किया और हमने मीडियन फाइंड किया, मीडियन हमेशा बीच में होता है, तो हमारे पास यहां पे लेट्स से क्या है? मीडियन है। तो हमारे पास मीडियन के इस तरफ टोटल कितनी परसेंट वैल्यूज हैं? 50% वैल्यूज हैं, और इस तरफ भी कितनी है? 50% वैल्यूज हैं। व्हाई? बिकॉज मीडियन डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, 50% लार्जर, 50% स्मॉलर, या बिलो मीडियन 50%, अबव मीडियन 50%। एक बात और याद रखिएगा, नोट कीजिएगा कि मीडियन को हम कब कब यूज करते हैं, कब कब कैलकुलेट करते हैं। मीडियन इज यूज्ड नंबर एक व्हेन द एग्जैक्ट मिड पॉइंट, मिड वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिजायर्ड। नंबर एक, व्हेन द एग्जैक्ट मिड वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिजायर्ड। ओके, मीडियन इज यूज्ड व्हेन द एग्जैक्ट मिड पॉइंट या मिड वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिजायर्ड। नंबर टू, कब यूज होगा, कब कैलकुलेट करेंगे? व्हेन फॉर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल नहीं, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर टू, फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास एसिमेट्रिकल होगा तो
मीडियम इज यूज्ड। तीसरा जो पॉइंट है, मीडियम इज यूज्ड व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज एक्सट्रीम वैल्यूज। जब किसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी तो हम मीडियम को यूज कर सकते हैं। व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स। और नंबर चार, कब यूज करेंगे मीडियम को? नंबर चार, व्हेन द डेटा आर मेजर्ड ऑन ऑर्डिनल स्केल। नंबर चार, व्हेन द डेटा आर मेजर्ड ऑन ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल, जब आपके पास डेटा को मेजर कर रहे हैं किस स्केल पर? ऑर्डिनल स्केल पर। आपके पास चार किस्म के स्केल्स हैं जो हम पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल। दीज आर द फोर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स। लेकिन जब आपके पास डेटा मेजर करेंगे ऑर्डिनल पे तो मीडियम को आप यूज कर सकते हैं, मीडियम को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर द फोर पॉइंट्स व्हेन यूज मीडियम। द एग्जैक्ट मिड पॉइंट फॉर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन हैज एक्सट्रीम पॉइंट्स, व्हेन द डेटा आर मेजर्ड ऑन ऑर्डिनल स्केल्स। अब ये तो आपके पास सामने कुछ तारुफ हुआ मीडियम का। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि मीडियम किस तरह फाइंड करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इंडिविजुअल डेटा के लिए। मीडियम हम किस तरह फाइंड करेंगे कंटिन्यूस सीरीज के लिए या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? हम सबसे पहले स्टार्ट लेंगे किस से? इंडिविजुअल सीरीज से। याद रखिएगा मीडियम जो है वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए फाइंड करना बहुत आसान है। मैं थोड़ा सा आपके साथ वैसे ही डिस्कस करता हूं क्या चीज कि हमारे पास जो इंडिविजुअल सीरीज होता है, मतलब मीडियम के लिए डेटा को अरेंज करना लाजमी है, डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना लाजमी है। अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? डेटा को अरेंज करें। अरेंज करने के बाद अगर आपके पास वैल्यूज की तादाद, ऑब्जर्वेशंस की तादाद, आपके पास वैल्यूज की तादाद या ऑब्जर्वेशंस की तादाद ऑड हो, क्या हो? ऑड, ये ताद कहते हैं, ऑड हो, तो फिर जो दरमियान वाली वैल्यू होगी अरेंज डेटा का वो मीडियम होगा। और अगर आपके पास वैल्यूज की तादाद इवन हो, जिफ्ट हो, तो फिर क्या सूरत होगी? फिर ये सूरत होगी कि जो अरेंज डेटा होगा उसके जो दरमियान के दो वैल्यूज होगी उनका एवरेज लेंगे, उनका एवरेज लेंगे। ये तो जबानी कलामी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, बाकायदा अगर आप कैलकुलेशंस करें, बाकायदा अगर थ्रू प्रॉपर चैनल चलें, तो आप क्या करेंगे? हम सबसे पहले हम किसको डिस्कस करते हैं? इंडिविजुअल सीरीज के लिए। किसके लिए? इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम मीडियम को डिस्कस करते हैं, मीडियम को कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए। किसके लिए? इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो हमारे पास कैलकुलेशन, हमारे पास ये कह सकते हैं मीडियम फॉर इंडिविजुअल डेटा या इंडिविजुअल सीरीज। ओके, अब इसके लिए सबसे पहले इसके लिए दो स्टेप्स हैं आपके पास, दो ही स्टेप्स हैं आपके पास। पहला स्टेप क्या है? आपने डेटा को अरेंज करके लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहला स्टेप आपके पास जो स्टेप्स हैं मीडियम को फाइंड करने के लिए, किसमें? अगर इंडिविजुअल डेटा है उसके लिए अगर आप मीडियम फाइंड करने जा रहे हैं तो दो स्टेप्स हैं आपके पास, दो ही। पहला स्टेप क्या है कि अरेंज द डेटा इंटू एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, दूसरा जो स्टेप है अप्लाई द फार्मूला। फार्मूला क्या है आपके पास? मीडियम बराबर है साइज ऑफ एन एन प्लस वन डिवाइड बाय
टू अर्थ आइटम। अच्छा आपके पास जो मीडियम का फॉर्मूला बनता है वो है साइज ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाई टू अर्थ आइटम। यहां पे एन क्या चीज है आपके पास, एन आपके पास है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा एन कैपिटल एन हुआ तो पॉपुलेशन साइज, स्मॉल एन हुआ तो सैंपल साइज। मैं जनरली जनरली लिख रहा हूं कैपिटल एन। अब यहां पे ये फार्मूला आपको बताएगा कि डेटा अरेंज डेटा के अंदर कौन सी वैल्यू मीट है। ये फार्मूला आपको बताएगा कि अरेंज जो डेटा है उसके अंदर किस नंबर पर कौन सा आइटम कौन सी वैल्यू मीट है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब हम इस चीज को एक एग्जांपल के जरिए करते हैं, एग्जांपल के जरिए मीडियन को सॉल्व करते हैं, मीडियन को फाइंड करते हैं। तो इस एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, हम एग्जांपल क्या है मेरे पास, एग्जांपल है बेटा फाइंड आउट द मीडियन। किसके लिए, किसके लिए, x 10 15 925 925 and 19, these are the five values, these are the five values, total number of values कितनी है, five है, कितनी है, five है। अब यहां पे पहले मैं जबानी कलामी आपके सामने वीडियो को डिस्कस कर रहा हूं, चूंकि वैल्यूज की तादाद ऑड है ताक है फिर तो मसले नहीं है, आप इसको अरेंज करें, अरेंज करने के बाद जो दरमियान में होगा वो मीडियम होगा। लेकिन अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल काम करें फार्मूले के जरिए तो फिर क्या करेंगे आप, सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन, सोल्यूशन में सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, रीराइट, दोबारा लिखें इन ऑब्जर्वेशन को अरेंज काम, क्या लिखेंगे, री राइट दी वैल्यूज इन अरेंज फॉर्म, क्या लिखेंगे आप अरेंज फॉर्म में, क्या लिखेंगे आप इसको, आप लिखेंगे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 और आपके पास जो एक्स नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज एक्स आप अरेंज कर रहे, अरेंज में क्या आएगा 9 10 15 9 10 15 19 25। अभी आपके पास अरेंज फॉर्म है, अरेंज फॉर्म में आया, अब आपके पास ये अरेंज फॉर्म में आया, अब इसको ये आपने लिखा इस फॉर्म में एसेंडिंग फॉर्म में, अगर हम इसको दोबारा लिखते हैं किस फॉर्म में, डिसेंडिंग फॉर्म में, किस फॉर्म में, डिसेंडिंग फॉर्म, डिसेंडिंग फॉर्म क्या होगा इसका, बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, दिस इज एसेंडिंग फॉर्म, दिस इज डिसेंडिंग फॉर्म, बड़े से छोटे की तरफ डिसेंडिंग फॉर्म, छोटे से बड़े की तरफ एसेंडिंग फॉर्म, आपने दोनों फॉर्म में लिख लिया। अब उसके बाद आपने फार्मूला यूज करना है, नाउ आप लिखेंगे मीडियन बराबर है साइज ऑफ एन प्लस वन बाय टू अर्थ आइटम। आपके पास एन स्मॉल है, एन कितना है आपके पास, फाइव, आप लिख लें मीडियम बराबर है साइज ऑफ फाइव प्लस वन बाय टू अर्थ आइटम। आपने एन की जगह क्या लिखा, फाइव लिखा, वन अपनी जगह, टू अपनी जगह, डिवाइड बाय टू क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप डेटा के दो हिस्से बनाते हैं, डिवाइड किस पे कर रहे हैं, दो पे डिवाइड कर रहे हैं, आगे जो और पार्टिकल्स की वैल्यूज आएंगी जितने पार्ट्स बनेंगे उतने पे आप डिवाइड करेंगे, यहां पे टू पे डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो पार्ट्स बना रहे हैं, तो एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, एन की जगह फाइव, वन बाई टू, फाइव प्लस वन डिवाइड बाई टू, फाइव प्लस वन सिक्स, डिवाइड बाई टू थ्री, यह बन जाएगा मीडियन बराबर है साइज ऑफ थर्ड आइटम। अब थर्ड का मतलब क्या है, थर्ड का मतलब है कि डेटा के अंदर
जो आपने अरेंज किया है, चाहे वो डिसेंडिंग है चाहे वो एसेंडिंग है, दोनों फॉर्म्स के अंदर जो तीसरे नंबर पर वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। कैसे? अब देखेंगे, 1 2 3, 1 2 3, तो हमारे पास रूटीन क्या है? मीडियन। रूटीन क्या है? मीडियन। सो मीडियन इज 15 फॉर दिस डेटा सेट, चाहे वो डिसेंडिंग फॉर्म में चाहे वो एसेंडिंग फॉर्म में। थर्ड आइटम 1 2 3, थर्ड आइटम 1 2 3, ये फार्मूला आपको बताएगा कि किस नंबर पर आपका मीडियन मौजूद है। ये जो एग्जांपल हुआ किसके लिए? आर्ट के लिए। आर्ट के लिए अगर आप कैलकुलेशन ना भी करें, सिर्फ अरेंज करें, दरमियान अरेंज किया, दरमियान में मीडियन है, दरमियान में मीडियन है, लेकिन थ्रू प्रॉपर चयन करने के फार्मूले से, तो वो आपको लोकेशन बता देगा कि किस नंबर पर मीडियन है, किस नंबर पर मीडियन है। तो समझ आई बच्चों? अच्छा डियर व्यूअर्स, अब मैं मजीद आगे दूसरा एग्जांपल करता हूं फॉर इवन डेटा। फॉर इवन डेटा, अगर मेरे पास डेटा इवन हो तो फिर क्या होगा? अगर डेटा आपके पास इवन हो तो फिर क्या होगा? चलिए ये यहां तक हम करते हैं, फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, फाइंड द मीडियन, अगेन फाइंड द मीडियन, लेकिन यहां पर केस अब मुख्तलिफ है। अब केस क्या है? इवन का है। डेटा क्या है आपके पास? डेटा है स्टूडेंट्स, एक्स बराबर है 8 9 5 9 12 5 9 12 11। ये आपके पास कितनी वैल्यूज है? 6 वैल्यूज है। कितनी वैल्यूज है? 6 वैल्यूज है। अब यहां पे तादाद, वैल्यूज की जो तादाद है वो इवन, तो इस केस में आपके दरमियान में वैल्यू नहीं होगी, बल्कि जो दरमियान के दो होंगे अरेंज डेटा का, उनका जो एवरेज होगा वो मीडियन होगा। तो बाकायदा कैलकुलेशन उस तरह करें, आप लिखें एक्स को, सोल्यूशन में क्या होगा? सोल्यूशन में ये होगा कि री राइट दी वैल्यूज इन अरेंज फॉर्म, अरेंज फॉर्म। तो क्या होगा? सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, अरेंज फॉर्म क्या होगा? 5 8 9 5 8 9 5 8 9 10 11 12, ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई। क्या आई? x की वैल्यूज। ये आपने अरेंज कर दिया। अरेंज क्यों करते हैं? कि मीडियन को फाइंड करना, अरेंज मीडियन को फाइंड करने के लिए अरेंज करना लाजमी है, अरेंज करना लाजमी, चाहे वो एसेंडिंग करें या डिसेंडिंग करें। इसके बाद आप फॉर्मूला यूज करते हैं जी। नाउ मीडियन बराबर है साइज ऑफ n n प्लस 1 बाय 2 अदर आइटम। मैं लिखता हूं मीडियन बराबर है साइज ऑफ 6 प्लस 1 बाय 2 अदर आइटम। अब मैं लिखता हूं साइज ऑफ 6 प्लस 1 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5 अदर आइटम। अब यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नहीं है, इंटीजर नहीं है, बल्कि फ्रैक्शन है। तो यहां पे क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? डेटा के अंदर, अरेंज डेटा के अंदर आपके पास जो थर्ड नंबर वैल्यू है, तीसरे नंबर पर जो वैल्यू है, और फोर्थ नंबर पर, उन दोनों का एवरेज क्या होगा? मीडियन होगा। अब हम देखते हैं 1 2, ये आपके पास आ गई थर्ड वैल्यू। क्या आ गई आपके पास? थर्ड वैल्यू। ये आपके पास फोर्थ वैल्यू। इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज, ये इन दोनों का एवरेज 9 और 10, ये थर्ड वैल्यू और ये फोर्थ वैल्यू, इन दोनों का एवरेज क्या होगा? मीडियन होगा। क्या क्या लिखेंगे आप? मीडियन बराबर है 9 प्लस 10 बाय 2। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 9.5। अब 9.5 इज द मीडियन फॉर दिस डेटा सेट। व्हेन द डेटा, व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज आर इवन, देन द मीडियन is the average of between two values of arranged data. जो arranged data होगा उसके between जो दो values होगी उनका average होगा। और when the number of values are odd, तो then the median is the mid value of the arranged data. Now we move towards next topic. अच्छा जी, हमारे पास next topic क्या बनेगा? अब ये तो individual series का होगा। अब मीडियन को हम फाइंड करने जा रहे हैं
डिस्कस करने जा रहे हैं किसके लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए। किसके लिए? डिस्क्रीट सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी वही काम होगा। डिस्क्रीट सीरीज किस तरह होता है? हमारे पास एक्स होता है टेबल के अंदर और फ्रीक्वेंसी होती है। डिस्क्रीट के लिए मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूं कि डिस्क्रीट सीरीज जब भी आएगा उसके लिए सबसे पहला काम आपने डेटा को अरेंज करना है। डेटा को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपने इसके अंदर एक एडिशनल काम करना है जो इंडिविजुअल के अंदर नहीं था। वो क्या होगा कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आप फाइंड करेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कहां से आएंगी, किस तरह फाइंड करते हैं, तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पिछले लेक्चर्स के अंदर, शुरू के लेक्चर्स के अंदर, कि आपने दो काम करने हैं डिस्क्रीट डेटा सेट के लिए जब मीडियन फाइंड करने जा रहे हैं। नंबर एक, आपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। दूसरी बात, आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपने फाइंड करनी है। तीसरी बात, आपने फार्मूला को अप्लाई करना है। फार्मूला वही यूज होगा जो इंडिविजुअल का यूज होता है। वहां पे n लिखा था, यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, समिशन f। क्या होंगे? समिशन f। समिशन f मतलब क्या है इसका? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। बात समझ आ गई? अब मैं बोर्ड की तरफ जा रहा हूं और इसको आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बोर्ड पे क्या लिखूंगा, बस मैं स्टेप्स लिखता हूं, फिर मैं बस करता हूं, फिर मैं बस करता हूं, सिर्फ मैं स्टेप्स लिखता हूं। क्या लिखता हूं? स्टेप्स लिखता हूं, स्टेप्स लिखता हूं, फिर मैं बस करता हूं। अब वो स्टेप्स क्या है? मैं लिखता हूं मीडियन, मीडियन फॉर डिस्क्रीट डेटा या अन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैंने आपको पहले बता दिया, अब मैं लिखने जा रहा हूं स्टेप्स, इसको किस तरह आप फाइंड करें। पहला स्टेप, अरेंज द डेटा इंटू एसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आपने डेटा को अरेंज करना है छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ। आपने याद रखिएगा, आप जब एक्स को अरेंज कर रहे हैं उसी लिहाज से एफ को भी अरेंज करेंगे। मतलब पहले नंबर पर आपके पास टू आ रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही उसके सामने लिखेंगे। ओके, अच्छा दूसरा काम आपने क्या करना है इसके अंदर, स्क्रीन के अंदर फाइंड आउट दी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, दैट इज सी डॉट एफ, सी डॉट एफ। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, ये पिछले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस हो चुका है कि उस क्लास की फ्रीक्वेंसी या उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी और उससे पिछली जितनी भी है उसके अंदर जमा करें। ओके, अच्छा तीसरी, तीसरा काम क्या करना है, अप्लाई अप्लाई द फार्मूला। क्या होगा फार्मूला? कि मीडियम बराबर है साइज ऑफ समेशन एफ प्लस वन डिवाइडेड टू अट आइटम। ये इसके साथ है, साइज ऑफ समेशन एफ प्लस वन डिवाइड बाई टू अट आइटम, वेयर समेशन एफ बराबर है स्मॉल एन या कैपिटल एन। ओके, अच्छा ये फार्मूला आप यूज करना है, ये फार्मूला आपको बताएगा कि मीडियन कहां पे है। यहां से जो आंसर आपके पास आएगा, यहां से उस आंसर को आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर देखना है और उसके सामने जो भी एक्स होगा, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। ओके, अरेंज फॉर्म में, यानी कि यहां से आपके पास जो आंसर आएगा, लेट्स से यहां से आंसर आपके पास आया 4, उस 4 को आपने देखना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। अगर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर 4 मौजूद है तो ठीक है, अगर 5 है तो 4 5 के अंदर तो आ रहा है, तो उस 5 के सामने जो x की वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। तो डियर व्यूअर्स, ये मैंने स्टेप्स आपके सामने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह
इसकी एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करूंगा और सॉल्व करूंगा। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें।